ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे खास प्रोग्राम में। और कहते हैं कि अगर आपके पास धन है तो आप धन से और धन बना सकते हैं, लेकिन धन की क्षति कैसे ना हो और कैसे आप धन की प्राप्ति कर सकें, इसके लिए युक्ति बता रहे हैं पंडित वैभवनाथ जी। वैभवनाथ जी आपके पास आते हैं, राशि के हिसाब से सभी जातकों को बताएं। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों को आज रात में लाल चंदन और केसर को घिस करके उसमें सफेद रंग का एक साफ नया रुमाल या कोई भी एक सफेद रंग के कपड़े का टुकड़ा उसमें आप रंग लीजिए और उसको अपने धन रखने के स्थान में या तिजोरी में रखें, उसको बिछा करके उसके ऊपर भगवान को रखें या पैसे रखा करें तो आपको बहुत अच्छी समृद्धि मिलेगी। जितनी भी अशुभता, जो भी नकारात्मकता, जो भी निगेटिविटी आपके गले में आ गई थी जिससे धन टिकता नहीं था, अचानक धनहानि होती थी, आकस्मिक धनहानि भी रुकेगी और आपके पैसों की जो क्षति है वो रुकेगी, तो अचानक आपको वृद्धि समझ में आने लगेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उस दीपक में दो काली गुंजा यदि आप डाल दें तो वर्ष भर आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती रहेगी और धन भी जो आपका कहीं रुका हुआ था, अटका हुआ था, वह भी आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकता है। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप धन की सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो आज संध्या काल में मां लक्ष्मी का पूजन करें, लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त आदि का पाठ करें और उसके साथ साथ एक कमल के फूल का भी पूजन आपको करना चाहिए। बाद में इस कमल के पुष्प को लाल वस्त्र में बांध करके अपने धन रखने के स्थान में या लॉकर में आप रखें, तिजोरी में रखें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की रात्रि में स्फटिक या कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी जी का मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका आपको जाप करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम एं क्लीं सौ, इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 11 माला आज करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातक लोगों की। आज संध्या काल में गाय के घी के दो दीपक यदि आप जलाएं और उन्हें किसी ऐसे एकांत स्थान में रखें जहां कोई भी आता जाता ना हो, कोई निर्जन स्थान हो, अपने घर का ही वो कोई कोना हो सकता है, तो इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी आपकी इच्छाएं अधूरी थी वह पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लौटेंगे तो कन्या राशि और बाकी के राशि के जातकों की बात। आपको इंतजार नहीं करवाते हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास, जो इस वक्त बता रहे हैं कि धन प्राप्ति के लिए और धन हानि से बचने के लिए आप क्या करें, कन्या राशि वालों के लिए बताएं। जातक लोग धन की कमी से जूझ रहे हों और लगातार मेहनत परिश्रम के बाद जो आप धन कमाते हैं वो टिकता ना हो, तो ऐसे में आज की रात्रि में 10 से 12 के बीच में आपको श्री लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी और गणेश जी की चालीसा का 16-16 पाठ करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा, जो आपकी पैसों की क्षति है वह रुक जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों की। तुला राशि वाले जातक लोग यदि आर्थिक समस्या से परेशान हैं, कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आज रात्रि काल में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी की पूजा के उपरांत आपको गणेश जी की प्रतिमा पर हल्दी के चूर्ण अर्पित करना चाहिए पुष्प के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और 8 पाठ ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो इससे आपकी समस्त आर्थिक परेशानियां जो हैं, धन को लेकर के जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोग धन लाभ के लिए आज शाम के समय में पीपल के वृक्ष के पास या पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का, सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जला करके आएं, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी के दीपक जला करके रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपके काम में जो बाधा आ गई थी, रुकावट आ गई थी, जो आर्थिक संपन्नता में जो एक बाधा आ गई थी वह आपके दरवाजे से ही आ गई थी, तो जो लक्ष्मी के लिए द्वार बाधित हो गया था इस दीपक को वहां रखने से वह द्वार दोबारा खुल जाएगा और मां लक्ष्मी का पुनः आगमन होगा। सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में भी बहुत अच्छी वृद्धि आपको मिलेगी। अब बात मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में लाल रुमाल में नारियल बांध करके, एक नारियल जो हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं, जटा वाला नारियल जिसे पानी वाला नारियल आम बोलचाल में कहते हैं, वह बांध करके लाल कपड़े में अपने तिजोरी में, ऑफिस में या घर में कहीं भी गले में आप रखें, कैश रखने की जगह लॉकर में रखें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जितनी भी आर्थिक विपन्नता की स्थिति थी, आर्थिक तंगी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को, यदि आप
अपनी नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो आज की तिथि में आज से लेकर के दिवाली की रात तक हर दिन थोड़े से मीठे चावल आप बनाइए और उसके बाद कौओं को पशु पक्षियों के लिए किसी खुले स्थान पर रख दीजिए। ये प्रयोग आप आज रात से शुरू कर दें, घर में किसी भी खुले स्थान पर रख करके चले आएं। इससे आपकी जितनी भी आर्थिक समस्या थी, नौकरी में बाधा थी, सब दूर हो जाएगी। वहीं बात अंतिम राशि यानी मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के आसपास किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के यदि आप 11 नारियल आज अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि घर के आसपास कोई लक्ष्मी जी का मंदिर ना हो तो किसी भी देवी मंदिर में चले जाएं, शिव मंदिर में चले जाएं। माँ पार्वती का जो स्वरूप है वही स्वरूप है माँ लक्ष्मी का, आप माँ पार्वती के समक्ष ही 11 नारियल अर्पित करें। आपकी जितनी भी आर्थिक बाधाएं थी, जो भी आर्थिक समस्याएं थी, तत्काल वही विनाश हो जाएगा। बहुत अच्छा सम्मान, बहुत अच्छी आर्थिक संपन्नता आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो इस वक्त इन उपायों को सुन रहे होंगे जरूर करेंगे और उन्हें फायदा भी जरूर हो। बिल्कुल, ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान के बिना जिंदगी अंधकार के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहने के लिए। हमारे दर्शकों को फायदा हो इस प्रोग्राम से, यही उम्मीद हम करते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।